उड़ीसा के लिए सीधा जाता है। तो भाई लोगों देखो, अंकल अपनी किश्ती लेके जा रहे हैं। A few moments later. तो दोस्तों 40 किलोमीटर करने के बाद अभी हमने ब्रेक ली है और ये फ्रेश फूड होटल एंड रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और उसके में यहाँ से अपनी जो बाइक है वो ये खड़ी है पूरी लोडेड होके। तो भाई सुबह सुबह के निकले हुए हैं और हालत आप देख लो हमारी। Three hours later. अभी टाइम हुआ है 4:14 और अपना जो लंच है वो अभी हो रहा है। थोड़ा सा लेट है लेकिन स्टिल कर रहे हैं। तो ऑर्डर किया है दाल फ्राई और रोटी, ऑनियन और चार। पेट भर के खाना खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। बने रहो हमारे साथ। तो भाई लोगों अभी शाम को हम 8:43 हुए हैं और अभी पेट्रोल हम रिफिल कर रहे हैं अपना टैंक। और यहाँ पे हमें भाई मिले। भाई आपका नाम क्या है? ऋषिकेश बेहरा। ओके, तो भाई से मिलके हमें अच्छा लगा भाई, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर देना हमारा, ठीक है? आपको आप भी आ जाओगे वीडियो में आप, ठीक है? आगे दोस्तों को भी करना चाहिए, ठीक है? ठीक है भैया, बाय। तो भाई टैंक रिफिल कर लिया है, अभी चलते हैं फिर से अपनी मंजिल की ओर घूमते घूमते पूछने के लिए अपने स्टे के लिए। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ टोल प्लाजा में पूछने के लिए कि परमिशन है सोने की या नहीं। उसके बाद आपको आके बताता हूँ क्या इन्होंने आंसर दिया हमें। तो मिलते हैं, पूछ के आता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। तो भाइयों परमिशन हमें मिल गई है सोने की यहाँ पे टोल प्लाजा पे, ठीक है? तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद आके इस तरफ हम अपना जो कैंपिंग है वो यहाँ पे करेंगे हम, क्योंकि उस तरफ सामने कैमरा है तो आपको सब कुछ मतलब कैमरे में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सोएंगे तो सब कुछ कैमरे में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं। फिलहाल चलते हैं खाना खाने। A few moments later. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें परमिशन मिल गई है तो ये लगाया अपना टेंट और यहाँ पे आज हम रहेंगे। पूरी अंदर सेटिंग वेटिंग हो गई है, तो मिलते हैं आपको एक The next day later. तो फिर मिलते हैं, बाय। तो आना कुल्लू मनाली, आना फिर घुमाएंगे तेरे को, है ना? चल मजा आया तेरे साथ मिलके, है ना? ये पोस्ट कर देना है। हाँ फोटो डालना हमारे साथ, वो टैग वो एट द रेट करके टैग करना इंस्टाग्राम पे, मैं शेयर करूंगा। चल तो फिर अभी 97 किलोमीटर जाना है हमें। लोगों को करते हैं बाय, और बाय करने के बाद हम चल रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल देखते हैं और फिर चलते हैं पुरी में। वहाँ चार धाम में एक धाम वहाँ है और उसके बाद एक वहाँ पे काफ़ी अच्छी लेक है समुद्र के किनारे, तो बढ़िया सा मौसम देख के हम भी वहाँ आराम करेंगे, थोड़ा जो ब्यूटी का नज़ारा है वो एंजॉय। सो गाइस अभी हम पूरी पहुँच गए हैं और बहुत ही अच्छी क्लीन सिटी लग रही है और यहाँ पे ना एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारे रास्ते में टेम्पल वगैरह थे, छोटे मोटे टेम्पल पूरे धाम के आसपास, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग सी साइड जा रहे हैं, वहाँ जाके रूम वगैरह देखते हैं, क्योंकि व्यू भी अच्छा हो जाएगा, विंडो खोली तो सी व्यू, तो वैसा कुछ होटल देखते हैं। मैंने और अभिषेक ने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी जो है वो अभी नहीं झेल पा रही, इट्स बीन एट 23 डेज, तो हालत ख़राब है। हम कंटिन्यू कर रहे थे बट अब नहीं भाई, बॉडी मना कर रही है कि भाई रेस्ट कर लो, तो आज का डे है
सारी आज अपडेट करेंगे क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे हो और 17 के बाद हमने ब्लॉग्स अपडेट नहीं किए और आज 23rd डे है, तो इट्स बीन अ वाइल, तो करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। ओके ऐसे तो अभी रूम ढूंढते हैं भाई और रूम में पहुंच के मिलते हैं। अभिषेक को भेजता हूँ मैं कहीं रूम वगैरह देखने के लिए, यहाँ कहीं दिख रहा है रूम वगैरह, तो चलो। हाँ अभिषेक जा रूम वगैरह पता करके आ और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को हाय बोल दे। और मैंने बता दिया भाई आज हम कुछ शूट लोकेशन, तो थम्स अप है लोकेशन को। और अभिषेक जा रहा है, हमारे कपड़े भी अभी यार गीले हैं जो हमने कोलकाता में धोए थे, सूखे नहीं, उनको भी ड्राई करेंगे। तो गाइस अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और ऐसे ही हमारे साथ बने रहो।